प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के आह्वान पर पूरे देश में सेवा ही संगठन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सेवा कार्य कर रहे हैं। इसी के तहत इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता से जुड़े कार्यों को किया जा रहा है, जिसमें मुक्तिधाम की सफाई प्रमुख रूप से शामिल है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने बताया कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और दूसरी पारी के 2 वर्ष जिसको लेकर संपूर्ण देश में सेवा ही संगठन अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में इंदौर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा 3 वार्ड 64 में 3 इमली चितावत मुक्तिधाम पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत न सिर्फ मुक्तिधाम पर साफ सफाई की गई बल्कि सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया गया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने बताया कि इस मुक्तिधाम की 4 से 6 घंटे सघन सफाई अभियान चलाया जाएगा, उसके बाद इससे लगी खान नदी में भी साफ सफाई की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के वैसे तो 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं, पर जो उनका द्वितीय कार्यकाल था उसका आज 2रा वर्ष संपादित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने आह्वान करा है और उस आह्वान के अंतर्गत पूरे देश भर में सेवा ही संगठन अभियान चलाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंदौर की विधानसभा 3 में वार्ड क्रमांक 64 में इस चितावत मुक्ति धाम के स्वच्छता अभियान को हाथ में लिया है। व्यापक स्तर पर करेंगे, केवल राजनीतिक कर्मकांड नहीं होगा, हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खिंचाने जैसा। यहाँ पर कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असामयिक, अस्वाभाविक और अकल्पनीय मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी अंत्येष्टियाँ हुई हैं, तो मुझे लग रहा है कि संक्रमण की दृष्टि से भी ये एक संवेदनशील स्थान है और हमारी विधानसभा के लगभग 5-7 लाख लोगों का जो आवास जनाबादी है, उस जनाबादी का ये मुक्तिधाम एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर किसी का परिजन नहीं रहता तो यहीं अंत्येष्टि होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद के बाद जो पहला भाषण लाल किले से दिया था उसमें पूरे देश को स्वच्छ बनाने का अभियान करा था। हम भी उसी अभियान के अंतर्गत आज यहाँ जुटे हुए हैं और 4-5-6 घंटे तक ये अभियान चलना है। सघन साफ सफाई का अभियान चलेगा, साफ सफाई के बाद ये जो हमारी कान नदी है इसके अंदर कफन पड़े हैं, शॉल पड़ी है, हार के ढेर लगे, उनको उतर के नदी से निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ का कंडोलेंस मीटिंग हॉल है उसकी साफ सफाई करेंगे, सैनिटाइजर करेंगे। उसके बाद पौधारोपण होगा, विद्वान पंडितों के द्वारा जो असामयिक अस्वाभाविक मृत्यु को कोरोना से प्राप्त हो गए हैं ऐसे लोगों की आत्मशांति हेतु उत्तर क्रिया का कार्यक्रम भी किया जाएगा।